हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है बैंको इंडिया। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका हाई गया था 229.35, लो गया था 219.75 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने रिटर्न दिया है 3.16% का एंड क्लोज हुआ है 225.35 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹1611.67 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹1507.81 करोड़ एंड पीई रेशियो है 15.70। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹2.65 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹106.51 करोड़। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंपनी के पास मोर देन सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 2.65 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹14.36, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.93% एंड आरओसीई है 18.18%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। इस कंपनी में लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 15.14% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 9.23%। ये जो कंपनी है बैंको प्रोडक्ट्स, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 67.88%, पब्लिक का होल्डिंग है 31.73%, एफआईआई का होल्डिंग है 0.37% एंड डीआईआई का होल्डिंग है 0.02%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, जो आपका 67.88% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल 0 है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट भी ओपन कर लिया हो, तो पहले थोड़ा सा हम लोग नेट सेल्स देख लेंगे। ओके, तो देखिए जून 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी में नेट सेल्स हुआ है 251.62 करोड़ एंड इसका पिछले क्वार्टर मतलब आपका मार्च 2022 के क्वार्टर में हुआ था 226.71 करोड़। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे नेट सेल आपका इंक्रीज हुआ है। और अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो देखिए लास्ट ईयर इस क्वार्टर में हुआ था 168.78 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपका नेट सेल्स ज्यादा आया है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए, आपका लास्ट क्वार्टर मतलब जून 2022 के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 43.88 करोड़, जो कि इसका जो पिछले क्वार्टर में हुआ था 29.28 करोड़, उसके मुकाबले ज्यादा है। एंड लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में हुआ था आपका 22.30 करोड़, इसके मुकाबले भी ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो अभी इस क्वार्टर में आया है 33.76 करोड़, जो कि इसका जो पिछले क्वार्टर में आया था 19.10 करोड़, उसके मुकाबले ज्यादा है। एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आया था 16.75 करोड़, इसके मुकाबले भी ज्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर बोलेंगे तो इस शेयर का जून 2022 का जो Q1 का रिजल्ट निकला है वो आपका अच्छा निकला है। ओके, और एक चीज देखिए, इस कंपनी ने ₹20 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका आपका रिकॉर्ड डेट है 8 सितंबर 2022 एंड एक्स डेट है 6 सितंबर 2022। ओके, और एक चीज देखिए, एक कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 2247.40% का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे आपका है 16 अगस्त 2022 का दिन, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भेज दिया था। तब से देखिए कॉन्टिन्यूसली शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिखा। डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर 50 डेज
200 डेज एंड 100 डेज तीनों मूविंग एवरेजेस का जो लाइन है इसके ऊपर ही टिकते हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर का एक आपका डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो देखिए ये शेयर आपका बहुत दिनों से गिर रहा था, उसके बाद ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, ये आपका है 23 मई के दिन यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, जिस कैंडल के बाद ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है और इस जगह पे ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसको आपका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, एंड लास्ट ट्रेडिंग मतलब लास्ट वीक पे यहाँ पे देखिए हम लोगों को बहुत ही एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिस कैंडल ने यहाँ पे देखिए मैंने एक नील कलर का लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ जो कि इस शेयर का एक स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लाइन है, उसको भी तोड़ के ऊपर चला गया जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेजेस का जो लाइन है इसके ऊपर दिख रहा है। RSI भी यहाँ पे देखिए अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर ज्यादातर ब्रेकआउट हम लोगों को अच्छा ही दिख रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपके ₹225, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले 3 से 4 महीने में ये शेयर आपके ₹265 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।